हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज का ये वीडियो, हम लोग ट्रैवलिंग के लिए पैकिंग कर रहे थे तो हमने उस पर सोचा कि एक वीडियो करते हैं और आपको बताते हैं हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट एड बेबी के साथ क्या फर्स्ट एड एसेंशियल है जो हमें कैरी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, मेडिसिन है जो हमको ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे के साथ हमेशा कैरी करनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम ट्रैवलिंग के लिए पैकिंग कर रहे हैं। हम लोग अभी नैनीताल जा रहे हैं हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। हमारी 4th एनिवर्सरी है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम रोड ट्रिप पर नैनीताल जा रहे हैं। 5 डेज़ का हमारा ट्रिप है तो अभी बस हम जाने ही वाले हैं 2-4 दिन में। तो उससे पहले हमने सोचा कि पहले से ही सारी जो भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है फर्स्ट एड बेबी के लिए, हमें क्या क्या ले जाना है उसकी हमने एक चेकलिस्ट बना ली थी। हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था कि हम डॉक्टर से भी एक बार हमने कंसर्न था तो पूछ लिया था कि क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें कैरी करना चाहिए बेबी के साथ ट्रैवल करते वक्त। क्या होता है ना, बच्चों के साथ ट्रैवल करते वक्त हमें सारी मेडिसिन साथ में रखना चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि वहाँ जाकर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। बच्चों को कभी भी अचानक से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है जिसका पता नहीं चलता, तो हमें सारी जो भी एसेंशियल मेडिसिन होती है वो हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। वहाँ पर मिले नहीं मिले, बच्चे के साथ हमें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट और सारी चीज़ें अपने साथ होनी चाहिए। तो हम अपने फर्स्ट एड एसेंशियल में अपने बेबी अविराज के लिए क्या क्या लेके जा रहे हैं वो मैं अभी आपको पैकिंग करते वक्त दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो मैं रख रही हूँ। मेरा बेबी अविराज अभी 1.5 ईयर का कंप्लीट होने वाला है तो अब वो थोड़ा नॉटी हो गया, उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसको तुरंत ड्रॉअर खोलना है कुछ करना है तो काफ़ी एक हर टाइम ना डर सा बना रहता है कि कहीं हाथ ना आ जाए, कुछ इंजरी ना हो जाए उसको, मतलब एक डर हमेशा बना रहता। तो 24/7 मेरा यही जॉब रहता है कि मैं उसको आई वॉच करती रहती हूँ कि कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है। और अब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बस यही टेंशन है कि भाई सारी चीज़ें साथ में ले जानी है। अभी विंटर्स भी चल रहे हैं तो बच्चों को कोल्ड कफ लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे तो अभी तक टचवुड उसको कोल्ड का इशू इस विंटर्स में नहीं हुआ है, फर्स्ट विंटर में भी उसको नहीं हुआ था, बट हमने कुछ एसेंशियल चीज़ें जो हम अभी भी विंटर्स में उसके लिए घर पर भी हमेशा ध्यान रखते हैं। तो चलिए बिना देरी करें हम वीडियो को शुरू करते हैं, हम पैकिंग करना शुरू करते हैं। ये मैंने अपना छोटा सा, ये मेरा मेकअप का किट था पुराना सा रखा हुआ था तो मैंने इसको ही अभी फर्स्ट एड किट ट्रैवलिंग के लिए बना ले ली हूँ, अलग से मैंने नहीं लिया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पैकिंग की। मैंने ये रखा है बेबी विक्स रब, ये बच्चे को मैं अपने घर पे भी मैंने एक बना रखा वो भी मेरा ख़त्म हो गया, उसकी मैंने वीडियो डाला है कि घर पे बेबी विक्स रब कैसे बनाए वो आप जाके मेरे चैनल पे ज़रूर चेकआउट करिए। ये मैंने बेबी विक्स रब रख लिया है एक, इसको हम बेबी के फीट पर अच्छे से मसाज पे चेस्ट पर सब जगह लगा देंगे तो कोल्ड कफ से बच्चे काफ़ी बच जाते हैं। मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं ये वाला या घर पे बना हुआ दोनों बच्चे के लगा देती हूँ उसको हमेशा ही, मतलब 2-3 दिन छोड़ के मुझे लग रहा है कि हल्की सी इसको कोल्ड कफ जैसा लग रहा है तो मैं तुरंत उसको लगा देती हूँ, मुझे तुरंत रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ मैंने ये राम बाण घर का बना हुआ सरसों लहसुन अजवाइन का, मतलब सरसों का तेल ये जो घर पर हमने बनाया है ये मैं रख रही हूँ, इसके मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर ये मेरे साथ है तो मुझे विंटर्स में बिल्कुल कोल्ड कफ का बेबी के लिए टेंशन नहीं होता। इसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे डाला हुआ है वीडियो, तो आप उसको भी जाके चेकआउट करिए कि किस तरह से आप ये सरसों का तेल बेबी के मसाज के लिए विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी कि वहाँ पर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और अभी भी मैं उसको डेली यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको चेस्ट पर लगा देती हूँ, हथेलियों पर लगा देती हूँ, फीट पर लगा देती हूँ, इवन उसके सिर पर भी मैं अभी यही तेल रही हूँ तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और बच्चे को इससे कोल्ड कफ की समस्या नहीं होती। तो एक मैंने ये ऑयल रख लिया है, ये मैंने एक रख लिया है मस्कीटो रेपेलेंट रोल ऑन। हमें नहीं पता कि बाहर हम जा रहे हैं होटल्स में मस्कीटोज हैं नहीं है, तो बच्चों को हम ये लगा देंगे तो उसको बच्चा सेफ रहेगा मस्कीटोज से, उसको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप भी कहीं जब भी ट्रेवल के लिए पैकिंग करें तो आप ये ले लें, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने ये बुलवा लिया था तो एक मैं ये रख रही हूँ। तो मैं ये एक रख रही हूँ सलीन ड्रॉप नेजो क्लियर। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कंजेशन है, नेजल ब्लॉकेज है, नाक में उनको सांस लेने में तकलीफ है तो आप ये वाली जो ड्रॉप्स हैं बच्चे को इजीली डाल सकते हैं। हर डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं, कुछ नहीं होता है, ये जस्ट एक सॉल्टेड वाटर है मेडिसिन के फॉर्म में, तो हम बच्चों को ये डाल सकते हैं, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बच्चे अगर दूध नहीं पी रहे, फीड नहीं ले पा रहे तो इससे उनको काफ़ी ईजीली होता है। तो हमें अगर ज़रा सा भी कुछ लगता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
हम ये रख रहे हैं पैरासीटामोल का सिरप, जो कि बेबीज़ के लिए मैंने डॉक्टर से एडवाइस लेके अपने बेबी की एज के हिसाब से कितना ड्रॉप देना है उसको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लिया है। तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से प्रिस्क्राइब करा के रख सकते हैं। ये पैरासीटामोल का सिरप मैंने रख लिया है और उसके साथ साथ मैंने ये थर्मोमीटर रख लिया है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, मौसम चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो बच्चों को हो सकता है कि फीवर जैसी प्रॉब्लम आ जाए। वैसे तो नहीं आएगी, हम होपफुली यही पॉजिटिविटी रखेंगे, बट इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये पैरासीटामोल की सिरप बेबी को दे सकते हैं। और हम हाथ से चेक करके ऐसे नहीं दे सकते कि, क्योंकि हमें हाथ से चेक करने से नहीं पता चलेगा बच्चे को फीवर है या नहीं है। तो हम ज़रूर ये थर्मोमीटर ज़रूर कैरी करें, जब हमें थर्मोमीटर से चेक करके जब पता लग जाए तभी हमें देना है। थर्मोमीटर से चेक करने पर अगर 99 प्लस आ रहा है तभी हमें देना है, अगर 99 से डाउन है तब हमें कोई भी मेडिसिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए आप भी जब भी ट्रैवल करें थर्मोमीटर ज़रूर अपने साथ कैरी करें। हमने एक रख ली गैस की दवा। बच्चों को क्या होता है ना, बाहर का खाने से या ट्रैवल के दौरान हम इतना लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो बच्चों को गैस बनने की समस्या रहती है, तो हमने एक कोलिकेयर ड्रॉप्स रख लिए हैं। आप कोई भी गैस की दवा आपने डॉक्टर से एडवाइस करके अपने बच्चे के लिए रख सकते हैं। हमारे डॉक्टर हमको स्टार्टिंग से ही कोलिकेयर एडवाइस कर रहे हैं, हम बेबी को यही देते हैं जब भी हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगती है, तो हम ये एक दवा रख ले रहे हैं अपने साथ। हम ये रख रहे हैं ओंडेम। ओंडेम ही वॉमिटिंग के लिए, नोज़िया के लिए, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को भी वॉमिटिंग सा, नोज़िया सा फील होता है, तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। रोड ट्रिप पर हम जा रहे हैं, पहाड़ों का रास्ता होगा तो बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने डॉक्टर ने बोला कि आप ये जो ओंडेम है ये ज़रूर अपने साथ कैरी करिए, तो हमने ये ओंडेम ड्रॉप्स बेबी के लिए अपने साथ रख रहे हैं। हमने रखा है कोल्ड कफ के लिए सिरप, क्योंकि विंटर से कभी अगर ऐसा होता है कि कुछ कोल्ड कफ जैसी कंजेशन की प्रॉब्लम बेबी को आती है तो हम ये सिरप उसको दे सकते हैं। ये जो सिरप है इसको, ये हमारे डॉक्टर ने एडवाइस हमें किया है। आप कोई सा भी सिरप जो आपको आपके डॉक्टर्स कोल्ड कफ के लिए एडवाइस करें, मैं नहीं बता सकती कि आपको कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए, तो जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें आप वो वाला सिरप रख सकते हैं। हम ये वाला सिरप रख रहे हैं कोल्ड कफ के लिए। बच्चों का क्या होता है कि जब हम उनके साथ बाहर ट्रैवल करें तो बाहर का खाना, उनका रूटीन चेंज हो जाता है तो उनका स्टमक अपसेट हो जाता हो, तो उसके लिए क्या होता है कि उनको कभी कभी लूज मोशन की प्रॉब्लम ट्रैवलिंग के वक्त हो सकती है, या घर में भी नॉर्मली कभी कोई रूटीन चेंज हुआ किसी वजह से उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम, घर में भी छोटे बच्चों के साथ ये लगा ही रहता है। तो ये एक होता है कि जब भी हमारे बेबी का साथ अगर उसको स्टमक अपसेट होता है, लूज मोशन होने लगते हैं, तो एक सिंपल सा पीपी सेफ का शीशे जो हमारे डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं, जिंक शीशे, ये हम उसको एक शीशे दे देते हैं और उसकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। ये शीशे भी हम अपने साथ रख रहे हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो बच्चे को कभी कभी क्या होता है, बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं या पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को हम पानी पिलाएं, टाइम टू टाइम जूस देते रहें। फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे डिहाइड्रेटेड हो जाए, तो हमारे पास एमरजेंसी के लिए ये ORS का घोल होना ही चाहिए। और अगर ये ORS का शीशे है तो हम अपने लिए भी, अगर बड़ों को भी कभी लूज मोशन की या इस तरह की प्रॉब्लम आती तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हम ये ORS के दो शीशे रख लेते हैं, क्योंकि बेबी के साथ साथ ही हम लोगों को भी यूज़ आ सकता है। हम लोग ये रख रहे हैं कॉटन बैंडेज। ये हम इसलिए रख रहे हैं कि कभी क्या होता है ना कि बच्चे कहीं रन कर रहे हैं, कहीं चोट लग गई, कहीं भी चोट लग सकती है, ऐसा नहीं कि बच्चों को छोटी मोटी सी चोट लगी, तो हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमें एकदम से घबराना नहीं पड़े, कहीं भाग के ना जाना पड़े कि क्या, अब क्या लगाएं, यहाँ पर क्या हो गया। तो मैंने ये कि बैंडेज और कॉटन रोल रख लिया है, उसके साथ मैंने सर्जिकल स्प्रिट रख लिया कि कहीं भी अगर कुछ चोट लगती है तो हम उसको सर्जिकल, जब भी डॉक्टर या घर में भी हमें जब भी कुछ भी छोटी मोटी चोट लग जाती है, कहीं घाव लग गया, कहीं गिर गए, तो हम क्या होता है कि सर्जिकल स्प्रिट से क्लीन करने के बाद ही बैंडेज करते हैं, तो हमने एक सर्जिकल स्प्रिट भी अपने साथ रख लिया है। और ये कि बीटाडीन है, जो कि हम बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं में कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो हम क्या कि सर्जिकल स्प्रिट से क्लीन किया, फिर बीटाडीन का ये लगा दिया और फिर अच्छे से पट्टी को बांध दिया या बैंडेज लगा दिया, तो उससे जो भी हमारी चोट लगी वो तुरंत सही हो जाती है। तो ये मुझे ज़रूरी लगता है, मतलब बेबी के साथ ट्रैवलिंग के वक्त भी मैं कैरी करती हूँ और जब पहले भी मैं, मतलब हम लोग पैकिंग करते थे तब भी मैं ये अपने साथ ज़रूर रखती थी। रेडीमेड जो बैंडेज आते हैं हैंसा प्लास्ट, वो मैंने अभी बुलवाए नहीं है, मैं कल बुलवा लूँगी, तो वो भी मैं अपने फर्स्ट एड में कैरी कर लूँगी, क्योंकि वो भी फटाक से क्या होता है कि अगर आपको लगा तो आपने फटाक से खोल के लगा दिया। ये कॉटन लगाना, सर्जिकल स्प्रिट लगाना, इसमें टाइम लगेगा, बट मैंने
अभी वो बुलवाया नहीं है इसलिए मैंने ये भी कैरी कर लिया है, और जब वो आ जाएगा तो मैं दोनों चीज़ अपने साथ कैरी करके ले जाऊंगी। एक छोटा सा ही तो फर्स्ट एड बन रहा है, तो कोई बात नहीं, जब इतना सामान जा रहा है तो ये भी एक चला जाएगा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रख ली है, क्योंकि मेरे को कभी कभी हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाम तो बिल्कुल रामबाण का काम करता है। मैं फटाक से बाम अप्लाई कर लेती हूँ, मेरा सर दर्द छूमंतर हो जाता है, तो मैंने अपने लिए बाम रख लिया है। बाकी एक पैरासीटामोल की एक कैल्पोल है जो कि बहुत काम आती है। कभी भी आपको थकान सी लग रही है, आपको लग रहा है कि हल्का फीवर सा है, कुछ भी अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान लग रहा है, हेडेक लग रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो ये आप ले सकते हैं और आपके साथ ज़रूरी आप हमें कैरी करना चाहिए। तो मैं एक ये रख रही हूँ पैरासीटामोल। कभी हमको क्या होता है ना, पेट दर्द हो जाता है अचानक से, हम लोगों को भी, बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी खाना नहीं पच रहा है। बच्चों को तो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टमक रिलेटेड, हम लोगों को भी हो जाती है बाहर के खाने से, पनीर खा लिया, कुछ हैवी खा लिया, बाहर का खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर वहाँ जाके हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहाँ अचानक से दवाई लेने भागेंगे। इसलिए मैंने ये मेफ्टा ले, जो पेट दर्द के लिए, ये मैं रख ले रही हूँ, ये मुझे मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को काम आ जाएगी। ये बेबी के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए है। तो ये आप लोग भी, मतलब आप जब पैकिंग करेंगे तो बच्चे के साथ आप भी ट्रैवल करेंगे, तो आप अपने लिए भी एसेंशियल मेडिसिन ज़रूर रखें। ये जो मैंने एसेंशियल फर्स्ट एड किट में मेडिसिन रखी है, ये आप मतलब इस तरह की जो भी आपको, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको माइंड में आ जाती है, आपको लगता है कि नहीं वो यूज़फुल है, जैसे मैंने विंटर के अकॉर्डिंग इसमें मस्टर्ड ऑयल रखा, बेबी रब रखा। अगर आप समर में यूज़ करें तो आप कोई अच्छा सा ठंडा पाउडर बेबी के साथ रख सकते हैं, कि बच्चे को अगर रैश वगैरह हो रहे तो उसको वो ना, तो एक ये पाउडर है कैंडिड गोल्ड। जब भी हमको क्या होता है कि रैशेस हो जाते हैं या कुछ इस तरह का हो जाता है, तो समर्स में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ज़रूर रखें। मैं भी इसको रख ही लेती हूँ एक बार को, ये भी छोटी सी जगह लेगा, मैं इसको रखना भूल गई थी, क्योंकि समर्स की ट्रैवलिंग में मतलब कैंडिड पाउडर बहुत रिक्वायर होता है। हमको क्या होता है कि रैश हो जाते हैं, गर्मी हो गई, बच्चों को रैश हो गए, तो ये पाउडर हम लगाते हैं और तुरंत बच्चे को और बड़ों को भी रिलीफ मिल जाता है। तो ये जितनी भी मेडिसिन मैंने पैक करी है, बहुत एसेंशियल मेडिसिन है। जब भी आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं तो एक छोटा सा फर्स्ट एड किट ज़रूर अपने साथ ट्रैवल करते वक्त रखें। घर के लिए क्या आपको मेडिसिन रिक्वायर होती है, उस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगी, बट ट्रैवल करते वक्त कम से कम इतनी मेडिसिन तो हमें अपने बेबी के साथ ज़रूर कैरी करनी चाहिए। ये जो मेडिसिन का मैंने फर्स्ट एड प्रिपेयर किया, ये मेरे डॉक्टर ने मुझे, मैंने एक चेकलिस्ट बना ली थी, डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट ले लिया, तो उसके बाद मुझे जो जो रिक्वायरमेंट लगी, जो जो मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया या जो मुझे अपने बेबी के साथ ज़रूरी लगती हैं चीज़ें, तो ये मैंने रख ली। कॉमन चीज़ें, क्योंकि हर एक बेबी के साथ या हर एक किसी के साथ कोल्ड हो गया, कफ हो गया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो गई, फीवर हो गई, ये कभी भी बच्चों के साथ बड़ों के साथ लगा रहता है, तो ये नॉर्मल बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें रख लेना चाहिए। बाकी हम लोग अभी ट्रैवल करने जाने वाले हैं दो तीन डेज में, तो हम वहाँ पर जाके व्लॉग करेंगे, पूरा आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा, पूरे व्लॉग करेंगे 5 डेज़ के हम, तो आप हमारे सारे व्लॉग चेकआउट करिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम फैमिली रिलेटेड व्लॉग, पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो, बेबी केयर रिलेटेड वीडियो, बेबी लर्निंग रिलेटेड वीडियोस को लेकर आप लोगों के साथ आते रहेंगे। आप हमारी तुरंत अपडेट जानने के लिए हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, फेसबुक पे जाके हमें फॉलो करिए, वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉम लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय मॉमीज़।